दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन शॉर्टकट कीज इन एक्सेल F1 से लेके F12 तक जितने भी फंक्शनल कीज है सभी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे फंक्शनल कीज के साथ में अगर हम कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट प्रेस करके फंक्शनल कीज को प्रेस करते हैं तो उसका भी क्या फंक्शन होता है एक्सेल में, सभी को डिटेल में आज के वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों आपका स्वागत है टूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे, मैं जहर जैसे विश्वास। तो आज हम देखेंगे फंक्शनल कीज F1 से लेके F12 तक एक्सेल में। जब भी आप F1 प्रेस करेंगे तो एक्सेल हेल्प का विंडो आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो एक्सेल हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मैटर के ऊपर अगर मुझे हेल्प लेना है तो एक्सेल के इनबिल्ट हेल्प विंडो से हम वो ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे इफ़ फंक्शन का डिटेल्स देखना है, इफ़ फंक्शन किस तरह से वर्क होता है, तो सर्च क्राइटेरिया में हम प्रेस करेंगे इफ़ और उसके बाद में प्रेस करेंगे एंटर। इफ़ से रिलेटेड जितने भी सारा आर्टिकल्स है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हमें इफ़ फंक्शन देखना है तो इफ़ फंक्शन में क्लिक करेंगे और उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, किस तरह का सिंटेक्स होता है इफ़ में, इफ़ फंक्शन क्या है और उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सेल हेल्प के मदद से कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो दोस्तों अगर हम F1 के साथ में कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो रिबन है एक्सेल का वो रिबन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल से F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे रिबन हाइड हो जाएगा, फिर से वापस कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कंट्रोल F1 की मदद से हम रिबन को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों F1 के साथ में अगर हम ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली चार्ट बन जाएगा। तो ऑल्ट F1 जब हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक वो रेंज सिलेक्ट होके यहाँ पे चार्ट आ गया है और वो भी सेम शीट में। तो इस तरह से हम ऑल्ट F1 की मदद से चार्ट ले आ सकते हैं। अब दोस्तों F1 के साथ में अगर ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करते हैं, मतलब ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1 को प्रेस करेंगे ये, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक नया शीट इंसर्ट हो गया, लेकिन जो शीट ओपन किया हुआ था उस शीट से पहले आपको एक नया शीट यहाँ पे दे देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक नया शीट ले सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट F1 के मदद से। अब दोस्तों देखते हैं फंक्शनल कीज F2। F2 से क्या कर सकते हैं, आप करंट सेल मतलब जो भी सेल सिलेक्ट किया हुआ रहेगा उस सेल में आप एडिट कर सकते हैं। F2 जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कर्सर जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों F2 के साथ में अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, मतलब शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉमेंट आ जाएगा और यहाँ पे आप कोई भी कॉमेंट पास कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑल्ट के साथ में F2 को प्रेस करते हैं, ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, तो आप आसानी से इसका अनदर कॉपी बना के सेव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस फाइल को ही सेव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। और दोस्तों अगर आप कंट्रोल प्लस F2 करते हैं तो आप प्रिंट ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ से आप प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं और प्रिंटिंग ऑप्शंस को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं फंक्शनल कीज F3 से क्या होता है। तो जब भी आप F3 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इस शीट में जहाँ जहाँ आपने रेंज को नेम दिए हैं वो नेम रेंज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि इस टेबल में मैंने दो नेम रेंज यहाँ पे यूज़ किए हैं, एक है प्रोडक्ट का और दूसरा है क्वांटिटी का। तो अगर आप किसी भी नेम रेंज को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सेल्स को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है F3। इस सिलेक्शन में कौन सा रेंज को पेस्ट करना चाहते हैं उस नेम पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है, वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में सिंपल आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम में जितने भी सारा आइटम्स था तो सभी आइटम्स यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो इसी तरह से F3 से हम क्या कर सकते हैं, नेम रेंज को यूज़ कर सकते हैं।
अब दोस्तों कंट्रोल प्लस F3 अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेम रेंज का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप कोई भी रेंज को एडिट हो या डिलीट हो या नया रेंज आप बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम रेड कॉलम के लिए भी एक नेम रेंज देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेम रेंज के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन का विंडो यहां पे ओपन हो जाएगा और आपको यहां पे क्या करना है, सिर्फ टॉप रो में क्लिक लगाना है और उसके बाद में सिंपल ओके पे करना है क्लिक। तो आप यहां पे देखेंगे ये जो रेंज है उसका नेम रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेंज को आप नेम दे सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं फंक्शनल केस F4। अगर आप किसी फॉर्मूला सेल में जाते हैं और किसी भी रेफरेंस को, सेल रेफरेंस हो या सेल एड्रेस को, आप एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलना चाहते हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं F4। तो F4 से आप क्या कर सकते हैं, उस सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदल सकते हैं। या तो अगर आप सिर्फ कॉलम को फिक्स रखना चाहते हैं, रो को नहीं रखना चाहते हैं, तो आप F4 को बार बार प्रेस कीजिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डॉलर सिंबल है वो चेंज होता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप F4 का यूज ले सकते हैं। तो अगर आप कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करते हैं तो ये एक्सेल फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपका फाइल सेव किया हुआ नहीं है तो मान लीजिए मैं डोंट सेव करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं एक्सेल फाइल जो है वो क्लोज हो चुका है। इसी तरह से अगर आप F4 के साथ में ऑल्ट को प्रेस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं फंक्शनल कीज F5 को। तो अगर आप सिंपल F5 को प्रेस करेंगे तो गो टू स्पेशल का विंडो यहां पे ओपन हो जाएगा और आप यहां से कहीं पे भी आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट रेंज में जाना है तो हम प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ओके में प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे प्रोडक्ट रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम फिर से वापस F5 को प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल विंडो में आएंगे और यहाँ पे हम लेंगे स्पेशल। तो जब हम स्पेशल में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप फॉर्मूला को सिलेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से बहुत सारा ऑप्शंस है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए फार्मूलास, जहाँ जहाँ फार्मूलास है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद में प्रेस करेंगे ओके तो आप यहाँ पे देखेंगे फार्मूला इन सेलों में दिया हुआ है, इसीलिए ये सिलेक्शन हो गया है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम F5 के साथ में कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को रिस्टोर ऑप्शन में ले आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल F5 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एक्सेल फाइल है वो छोटा होकर आपके सामने आ गया है। तो हम इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज। अब दोस्तों देखते हैं फंक्शनल कीज F6। F6 से आप क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अभी तो हम शीट के अंदर है, अभी मान लीजिए जब भी हम F6 को प्रेस करेंगे तो वो मूव होता जाएगा, मतलब अभी शीट में है, शीट के बाद में जब भी हम F6 में प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे वो स्टेटस बार में चला गया है और उसके बाद में फिर से वापस F6 में प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं रिबन में वो आ गया है और इसी तरह से फिर से वापस जब हम F6 में प्रेस करेंगे तो वो शीट में आ गया है। तो इसी तरह से हम F6 से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो फंक्शनल कीज F7। तो F7 प्रेस करने से दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो ओपन होता है। तो मान लीजिए हमने प्रोडक्ट नेम का सिलेक्शन हमने यहाँ पे कर लिया और उसके बाद में F7 को प्रेस किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, या तो चेंज कर सकते हैं या अपने डिक्शनरी में उस वर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर को आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में यूज कर सकते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर और ऐड टू डिक्शनरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं किस तरह से आप कस्टम वर्ड को अपने डिक्शनरी में ला सकते हैं और अपना खुद का डिक्शनरी भी आप बना सकते हैं। आप दोस्तों देखते हैं फंक्शनल कीज F8 से आप क्या कर सकते हैं। तो F8 से क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक टेबल है यहाँ पे, तो किसी भी सेल में मेरा कर्जर है और उसके बाद में जब भी हम F8 प्रेस करेंगे तो ये सेल हो जाएगा लॉक और उसके बाद में जब भी हम कीबोर्ड के एरो कीज को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होता जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, माउस से जो हम ड्रैग करते थे वो आप कीबोर्ड से ड्रैग कर सकते हैं F8 को प्रेस करते हुए।
अब दोस्तों F8 के साथ में अगर आप Alt को प्रेस करेंगे तो आप मैक्रो का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं Alt F8, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैक्रो का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैक्रो मेरा अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो कोई भी मैक्रो आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में रन पे क्लिक करके आप वो मैक्रो को रन कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी है फंक्शनल कीज F9 का, लेकिन F9 को सिंपल प्रेस करने से कुछ नहीं होता है। आपको कंट्रोल प्लस F9 अगर आप प्रेस करेंगे, मतलब ऑफिस 2010 में, तो कंट्रोल प्लस F9 जब आप प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं एक्सेल फाइल को। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल फाइल जो है वो यहाँ पर मिनिमाइज़ होकर आ गया है। और दोस्तों मिनिमाइज़ होने के बाद हम फिर से उसको रिस्टोर करने के लिए हमने ऑलरेडी पहले कमांड देख लिए थे कंट्रोल प्लस F5, तो आप इस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप इसको मैक्सिमाइज भी करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F10, तो कंट्रोल F10 प्रेस करने से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने एक कमांड देख लिए हैं फंक्शनल कीज F10 का। तो अगर आप सिंपल F10 को प्रेस करते हैं आपकी टिप्स देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिबन में सभी जगह में आपका की टिप्स दिखा रहा है, जैसे कि होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N। इसी तरह से दोस्तों हमने देखा अगर आप सिंपल F10 को प्रेस करेंगे तो आप की टिप्स देख सकते हैं। अगर आप F10 के साथ में कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, और फिर से वापस कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो वो मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। अब दोस्तों बारी है फंक्शनल कीज F11 का। जब भी आप सिंपल F11 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके टेबल के अनुसार एक चार्ट का नया शीट यहाँ पे बन जाएगा, तो चार्ट वन करके। तो यहाँ पे चार्ट आपको एम्प्टी दिख रहा है क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं किए थे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में सिंपल F11 को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट का एक नया शीट यहाँ पे बन जाएगा और वहाँ पे आपका चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम F11 के साथ में Alt को प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर को आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो Alt F11 जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल बेसिक एडिटर को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी है फंक्शनल कीज F12 का। अगर आप सिंपल F12 को प्रेस करते हैं तो आप फिर से वापस सेवेज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे नया नेम दे सकते हैं और उसके बाद में उसको सेव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप F12 के साथ में कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल F12 प्रेस करने से आप यहां पे देख सकते हैं ओपन का विंडो यहां पे ओपन हो जाएगा और उसके बाद में आप कोई भी फाइल को सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमने देखा फंक्शन शॉर्टकट कीज इन एक्सेल F12 F12। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।